bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum students this is our sixth lecture for design and analysis of algorithm in the previous lecture we discussed about the divide and conquer and we saw the example of merge sort and we saw the example, uh, algorithm of merge sort today we continue our uh, sorting algorithm in this lecture we sort out the quick sort इस लेक्चर में हम क्यूक सॉर्ट को एल्गोरिदम और क्यूक सॉर्ट की देखेंगे ला ये भी डिवाइड एंड कंकर की एक एग्जांपल है इसमें भी हम अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसको सॉर्ट करते हैं जिस तरह मर्ज सॉर्ट में हम थोड़ा सा रिकॉल करें कि हम क्या करते थे पहले मर्ज उसको सॉर्ट करते थे पहले इसको डिवाइड करते थे एंड देन इसको शॉर्टिंग करते हुए मर्जिंग करते थे और फिर दोबारा टॉप तक हम मर्ज करते जाते थे ठीक है अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके इसी तरह क्विक सॉर्ट है क्विक सॉर्ट में एज एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि क्लास में अगर टीचर है ठीक है अगर वो कहती है कि सारे स्टूडेंट्स को आप अपने आप को सॉर्ट आउट करें विद रिस्पेक्ट टू हाइट लेट्स सपोज ये स्टूडेंट्स हैं अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको लेट्स सपोज ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं अब इनको पता है कि हमने अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू हाइट किस तरह सॉर्ट करना है ठीक है अब लेट्स सपोज कि ये वाला जो स्टूडेंट है इसको पता होगा कि मैं सबसे टॉल हूँ तो मुझे यहाँ पर जाना है ये वाले स्टूडेंट को पता होगा कि मैं सबसे स्मॉल हूँ तो मुझे इस पोजिशन पर जाना है तो ये हम क्विकली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो इसी बेस पे हम क्विक सॉर्ट को सॉल्व करेंगे ये फास्टर वर्क इतना ये वैसे अगर इसकी देखा देखें इतने एफिशिएंट नहीं है लेकिन वैसे क्विक सॉर्ट इसको इसलिए कहते हैं कि जल्दी से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको देख के कि कौन सी चीज़ कौन सी जो चीज़ है हमारा स्टूडेंट है वो बड़ा है इधर हाइट और कौन सा छोटा है वो अपने आप को ईजिली सॉर्ट कर लेंगे ठीक है लेट्स पोज एक एग्जाम्पल लेती हूँ के टू फोर सिक्स वन थ्री अब इसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड है कौन सा एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड है कोई भी नहीं अब इसमें देखेंगे हम कि एक और एग्जांपल लेते हैं वन फाइव थ्री टेन एंड फोर अब इस एरिए में देखें तो हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है एक और एग्जांपल लेते हैं सिक्स टू थ्री वन टेन अब इस अगर एग्जाम्पल में देखें तो ये वाला जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड है वो अपनी सही पोजिशन पर है तो यही क्विक सॉर्ट है इसी बेस पे हमने क्विक सॉर्ट करना है कि हमें इजीली देख के पता कर चल सकता है कि हमें कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है लेट्स पोज अब इसमें जो अनसोर्टेड एलिमेंट है वो ये है क्योंकि इससे लेफ्ट साइड पे भी सारे एलिमेंट स्मॉल है इसकी राइट right साइड पे भी सारे एलिमेंट इससे स्मॉल है तो हम क्या करेंगे हमें पता होगा कि ये जो एलिमेंट है वो अनसोर्टेड है इसको अपनी पोजीशन पे जाना चाहिए ताकि हम बाकी ये रे को इजिली सॉर्ट कर सके तो ये वाली जो है ये इसी बेस पे जो मर्ज सॉर्ट का हम करती है ठीक है अब मर्सोट का सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका एलगुरदम क्या है सबसे पहले क्यूक सोर्ट जो है सॉरी क्यूक सोट हम क्यूक सोट करें रहे हैं तो ये क्यूक सोट का एलगुरदम जो है इसमें एल एंड एच अरे में एक लो है और एक हाई एलिमेंट है इफ लो लेस देन हाई जे इज इक्वल टू पार्टिशन ऑफ एल एंड लो पार्टीशन का फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें दो पैरामीटर्स हैं लेफ्ट लो एंड हाई उसके बाद ये रिकर्सिव फंक्शन है रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करते रहेगा ठीक है जब तक हमारा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तब तक हम सब प्रॉब्लम्स के सारे सोल्यूशन मिल ना जाए तक हम तब तक ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा क्लियर आप पार्टीशन का फंक्शन है उसमें देख लेते हैं कि किस तरह पार्टीशन हो रही है पार्टीशन में दो पैरामीटर्स हैं लो एंड हाई अब इसमें एक पॉइंट होता है पिवट। आपने अपनी अरे में एक पिवट पॉइंट लेना होता है जिसमें आप देखते हो कि कौन सा जो ये पिवट पॉइंट से लेफ्ट पे अगर वो मिड में है तो उसकी लेफ्ट पे सारे स्मॉल हैं और राइट right पे सारे लार्ज हैं अगर वो लास्ट पे है तो उसकी लेफ्ट पे सारे स्मॉल हैं अगर वो फर्स्ट पे है तो उसकी राइट right पे सारे ही लार्ज एलिमेंट्स हैं आपने पिवट पॉइंट वो मेजॉरिटी लोग पिवट पॉइंट वन लेते हैं और फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं समटाइम्स एंड एलिमेंट भी लिया जा सकता है या समटाइम्स मिड एलिमेंट भी लेते हैं ताकि हम अपनी अरे को इजीली सॉर्ट कर सकें ठीक है आप पिवट कोशिश करें कि अपनी अरे में वो लें जिसके आपको इजीली हम अपनी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके पार्टीशन करके सोल्व कर सकें अब ये देखें ये पार्ट उसके बाद पिवट लिया पिवट में क्या किया है कि ए ओफ एल यानी लो को वैल्यू रखवा दी ठीक है हमने सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो लो था उसको प्यवर्ट कंसिडेटर किया ठीक है आई दो हमने वेरिएबल्स लेने हैं आई एंड जे जो आई होगा उसमें हमने लो रखवा देना और जे को हमने एज रखवा हाई रखवा देना और हमने इन दोनों को कंपेरिजन करते लेके जाना है कि किस तरह कंपेरिजन करके हमने वैल्यूज को स्वैप करना है इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल वैसे तो एग्जाम्पल कम्प्लीट करेंगे लेकिन ये समझने के लिए एग्जाम्पल है लेट्स सपोज ये हमारे पास एलिमेंट है टेन सिक्सटीन एट ट्वेल्व फिफ्टीन सिक्स थ्री नाइन फाइव ये इंफिनिटी है यानी मैक्सिमम नंबर इनफाइनाइट है ये सम टाइम हम अपनी रे में लास्ट जो हमारा इंडेक्स होता है वो टर्मिनेशन के लिए यूज होता है इसको हम एज अ टर्मिनेट यूज करेंगे मैक्सिमम नंबर यानी इसके इस राइट लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे स्मॉल होंगे सॉर्टेड होंगे ठीक है इसलिए इसको एज अ मैक्सिमम नंबर यूज किया हमने इसके बगैर भी इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे लेकिन इसको एज अ समझाने के लिए मैंने आपको मैक्सिमम नंबर लिया ताकि आपको समझ आए कि किस तरह हम अपनी रे को सॉर्ट कर सकते हैं अब सबसे पहले हमने पीवेट टेन कंसिडर किया हमारा पीवेट है टेन और टेन को हमने लिया एल यानी लो और इन्फिनिटी को लिया हमने एज यानी हाई ठीक है अब हमने कंपैरिजन करते जाना है अपनी लो वैल्यू को यानी दिस इज आई पॉइंट एंड दिस इज जे पॉइंट आई में हमारे लो है और जे में एज है ठीक है पहले टेन को टेन से कंपेयर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जब आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और जे की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमने जे को इंक्रीज भी करना है ठीक है आई प्लस प्लस है और यहाँ पे ठीक है तो हमने आई प्लस प्लस करना है तो हाँ जे माइनस माइनस जे, जे की वैल्यू मैक्सिमम है तो यहाँ पे जे को बैक पे लेके जाना है। ठीक है जे की वैल्यू बैक पे होगी और आई की वैल्यू इंक्रीज होगी अब सिक्सटीन है सिक्सटीन लेस हमारे पेवर से ग्रेटर है तो हमारी आई की वैल्यू यहाँ आ गई यहाँ रोक दिया अब जब तक ग्रेटर वैल्यू ना आ जाए हमने आगे आगे मूव करते जाना लेकिन जहाँ ग्रेटर वैल्यू आएगी वहीं पे हमने स्टॉप कर देना अब सिक्सटीन वैल्यू है सिक्सटीन टेन से ग्रेटर है हमने यहीं आई को स्टॉप कर देना इधर से जे है ये यह ये यहाँ पर लेस वैल्यू देखनी है फाइव टेन से लेस है तो हमने यहाँ पर स्टॉप कर देनी है तो हमने इन दोनों को स्वैप करवा देना ये देखिए ये दोनों एलिमेंट्स को हमने स्वैप करवा देना है फाइव यहाँ पर आ गया और सिक्सटीन यहाँ चला गया ये मैंने क्रॉस लगाई ये दोनों स्वैप हुए उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे आई थी आई की वैल्यू अब आई टेंथ से स्मॉल है आगे चले जाएंगे नाइन अब यहाँ पे क्या है सॉरी uh, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू थी ट्वेल्व यहाँ पे एट है एट स्मॉल है नहीं ट्वेल्व ट्वेल्व क्या है यहाँ पे टेंथ से ग्रेटर है तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे स्टॉप कर दिया और जे जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे आ गया नाइन नाइन स्मॉल है टेंथ से तो हमने यहीं पे जे की वैल्यू को स्टॉप कर दिया और इन दोनों को स्वैप करवाया सॉरी ई इन इसको इधर स्वैप करवाया तो नाइन इधर आ गया और ट्वेल्व इधर आ गया ये देखिए क्रॉस जगह नाइन और ट्वेल्व की स्वैपिंग हो गई उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे आई फिफ्टीन टेन से ग्रेटर है तो आई की वैल्यू यहीं पे स्टॉप हो गई और जे कहाँ पे आ गया थ्री पे थ्री की वैल्यू जे की वैल्यू टेंथ से स्मॉल है तो यहाँ पे स्टॉप हो गया अब थ्री और नाइन को हमने स्वैप करवा दिया ठीक है अब यहाँ ये यह देखें यहाँ पे फिफ्टीन ये फिफ्टीन और थ्री है तो थ्री यहाँ पे आ गया और फिफ्टीन यहाँ पे आ गया अब आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई और जे की भी वैल्यू यहाँ पे आ गई क्लियर अब हमने क्या करना है अब नेक्स्ट पे जे आगे चला देगा जे की वैल्यू जे यहाँ पे जे है तो यहाँ पे हमने आई को कंपेयर नहीं यहाँ पे पीवट को जहां पे आई और जे इकट्ठे हो जाएं यानी आई और वैल्यू जे के सेम हो जाए वहीं भी हमने क्या करना है अपने पीवेड को स्वैप करा देना सिक्स वहाँ चला गया और टेन वहाँ भी चला गया अब ये देखें ये वाली जो हमारे पास अरे है ये हमारे पास पीवेड था अब इससे इसकी लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यू स्मॉल हैं और इसकी राइट right साइड पे सारी वैल्यूज लार्ज हैं समझ आ रही है ये देखिए ये दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गई ये जो पीवेड है टेन है इसके इस साइड पे पार्टीशन करके सिक्स फाइव एट नाइन और थ्री ये वाली जो वैल्यूज हैं ये स्मॉल हैं और इधर एक अरे आ गई हमारे पास फिफ्टीन टवेल्व सिक्सटीन इन ठीक है ये अलग अब हम इसी पे सारा प्रोसीजर दोबारा लगाएंगे इसको दोबारा से सॉर्ट करेंगे दो प्रॉब्लम आ गई इसको दोबारा सॉर्ट करेंगे तो वो हमारे पास सॉर्टेड अरे आ जाएगी समझ आ रही है कि हमने पिवट पॉइंट इसलिए लिया कि तब हम पार्टीशन करके अपनी प्रॉब्लम को दो सब टू सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें जब टू सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे तो ये देखें ये दो हमारे पास अरे आ गए अब हम इसको उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अब यहाँ देखें अगर हम देखते हैं हमारे पास एक अरे ही है जीरो फाइव एट नाइन और थ्री वो हमने यहाँ लिख ली इसको हम उसी प्रोसीजर के थ्रू दिस इज लो एंड दिस इज हाई ठीक है ये आई है और ये ही है ये हमने क्या लिया पीवेड पॉइंट ले लिया ये हमारे पास क्या है पीवेड पॉइंट अब क्या करेंगे यहां से हमने देखना है पिवट पॉइंट है इसके बाद हमने इसको इससे कंपेयर किया ठीक है यहां पे अब हमने यहां पे भी हम इनफाइनाइट वो अब समझ आ रही है कि यहां इनफाइनाइट नहीं है तो हमने क्या करना है जे को फर्स्ट टाइम मूव नहीं करना यहां पे इनफाइनाइट अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होगा जब ये अपने आप से कंपेयर होगा आगे जाएगा तो ये जे वाला भी यहाँ चला जाएगा आप समझ आ रही है कि मैंने इनफाइनाइट क्यों लिखा था यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी यहाँ पे भी अगर मैं इनफाइनाइट लिखूंगी मैक्सिमम नंबर लिखूंगी तो हाई होगा तो जे जब ये अपने आप से कंपेयर होगा आई ग्रेटर होके इधर चला जाएगा और जे लेस लेस होके इधर आ जाएगा अब ये देखें फाइव की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है हमने यहीं स्टॉप कर दिया और थ्री की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है यहाँ स्टॉप नहीं होगा ये नाइन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है यहाँ भी स्टॉप नहीं होगी यहाँ नाइन की वैल्यू जीरो ए, एट की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है यहाँ स्टॉप नहीं होगा ये भी जे क्या होगा यहाँ आ जाएगा लेकिन ये तो क्या होगा कि इट्स मीन आई और जे दोनों जब यहाँ आ जाएंगे इट्स मीन कि ये दोनों सॉर्टेड हैं समझ आ रही है ये दोनों सॉर्टेड हैं अब हम अब हम क्या करेंगे कि वो कह रही है कि जो ज़ीरो है पिवट है इसके राइट साइड पे जो सारी वैल्यूज हैं वो सारी सॉर्टेड है तो हमारे पास ये पिवट था अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेंगे फाइव एट नाइन एंड थ्री एक दो तीन चार ये चारों एलिमेंट्स आ गए अब ज़ीरो हमारा अपनी सही पोजिशन पे है क्लियर तो मतलब जीरो हमारा जो है हमारी अपनी सही पोजिशन पे है तो आई थिंक यहाँ पे सिक्स था मैंने ज़ीरो ले लिया चलें आपको प्रॉब्लम्स समझ आ रही है ना इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी तो मैं आपको यही समझाने के लिए लिखा था ताकि इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल कर सकें ठीक है अब हम इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल कर दें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो समझ आ जाए अब ये देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिए जिसके एलिमेंट्स हैं ज़ीरो वन